बेटा एक इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हम लोग कल उस दिन लिख सके थे कि एट कांस्टेंट बॉयल्स में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसे कुछ था क्या? देखो क्या लिखे थे, पी इज इक्वल टू के और यहाँ पर वी। इसमें वो इक्वेशन दे रखा है बेटा, और वो इक्वेशन ये बोलता है कि मुझे पी वर्सेज वी के बीच ग्राफ चाहिए। कैसे इसके बीच? हाँ, तो देखो ग्राफ क्या बोलता है कि P वर्सेस 1 बाय V के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिए। ऐसा वो क्वेश्चन पूछा है भाई। देखो अब कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, जो पहले कभी भी लिखे रहता ना P वर्सेस, मतलब वर्सेस से पहले, वो हमेशा और हमेशा Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वो किधर प्रेजेंट होगा? X साइड, Y के साइड में। और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट होगा बेटा X एक्सिस के साइड में। तो ये बात तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे पहले सॉल्व कैसे करें, हमारे पास इक्वेशन ये दे रखा है, सॉल्व करते हैं। बताओ P इक्वल टू के वाई वी इक्वल प्लस जीरो लिख सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि जीरो को प्लस करोगे तो वैल्यू को चेंजेस नहीं आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो कैसे, पी, अरे चल जा भाई, P इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे के वन बाई वी प्लस जीरो, लिख सकता हूँ क्या बेटा? अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर डालो, तुलना कर डालो लीनियर इक्वेशन से। तो मैं लिखता हूं कंपेयर विथ लीनियर इक्वेशन। हिंदी समझ जाओगे? कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई, बता दो। इस इक्वेशन को क्या करना बेटा, लीनियर इक्वेशन से तुलना करना है। लीनियर इक्वेशन क्या था? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ध्यान से, वाई के जगह पे पी आ चुका है, लाना भी था। वन बाय बी की जगह पे एक्स आ चुका है, ग्राफ प्लॉट कर ले। देखो कैसे समझते हैं, ये इधर ले लिए कौन सा एक्सिस बेटा, एक्स, इधर वाई। एक्स पर क्या है? वन बाय बी, वन बाय बी लिखूं, वाई की जगह पे क्या है? कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बता दो बेटा इस इक्वेशन में सी की वैल्यू क्या है? तो इंटरसेप्ट पक्का यहीं पर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बता दो के, m के जगह पे, m मतलब स्लोप, और m के जगह पे क्या है? k है ना, k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बना। यही है बेटा बॉयल्स लॉ के लिए p वर्सेस 1 बाय v के बीच ग्राफ। कर लोगे कॉपी? तो इसी के बीच देखो सेम इक्वेशन रहेगा बट ग्राफ खींचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ग्राफ को छोड़ दे रहा हूं भाई, सेम इक्वेशन है बेटा पर वो ग्राफ क्या बोला है देखो, इक्वेशन सेम ही रहेगा बॉयल्स लॉ के लिए। वो बोलता है v वर्सेस 1 बाय p के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिए। क्या बोली बेटा, बोल दो कुछ बोलना चाह रही? हाँ देखो पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो क्या इक्वेशन था बेटा, कि पी था कि वी था? पी था, वन बाय, अच्छा वन बाय वी, यहाँ पर पी इक्वल टू के बाय वी। अब क्या करना है बेटा, वी को कहाँ लाना है? वाई एक्सिस पर। तो इसको यहाँ ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा बेटा, v इनवर्सली नहीं, v इज इक्वल टू के बाई पी। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं का v इज इक्वल टू यहाँ पर के वन बाई पी प्लस जीरो, लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को कंपेयर कर डालूं तो लिखो कंपेयर विथ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू क्या है? जीरो। अच्छा एक्स एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस है। एक्स पर क्या है? वन बाई पी। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या सी की वैल्यू कितना है? इंटरसेप्ट यहाँ पर बनेगा। बहुत अच्छी बात है, और बताओ स्लोप क्या है? पॉजिटिव। ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या? बस यही तो आपको ड्रॉ करने थे। सेम तो रहेगा, प्लॉट मतलब खींचना होता है, प्लॉट खींचना, ड्रॉ। ग्राफ प्लॉट करना सीख गए हो?
अच्छा अब चलते बेटा नेक्स्ट लॉ, और नेक्स्ट लॉ का नाम है दैट इज चार्ल्स लॉ। मैं बॉयल्स लॉ आपको पढ़ा दिया था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ। तो हेडिंग डालो, क्या पढ़ोगे भाई? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। ये नियम क्या कहता है? देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मैं कैसे याद किया था इसको। देखना गैसियस लॉ तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा? वॉल्यूम, नहीं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। तो मैं कैसे याद कर रखा था बेटा? सीपी, नहीं ऐसे बेटा, बेटा गया करियर पॉइंट, ठीक है? क्या बेटा? अब इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और गे लुसाक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? अच्छा आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, बेटा जी वी सी पी कैरियर पॉइंट, सी पी का मतलब कैरियर पॉइंट। तो चार्ल्स में क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। केवल दो ही वेरी कर सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब इसका रिलेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो ये एक तरीका था मेरा याद करने का, हो सकता है आपका तरीका अलग हो जाए। देखो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है बेटा? चार्ल्स लॉ ने ऑब्जर्व करके देखा कि जब मैं किसी भी गैस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करता हूँ तो गैस का वॉल्यूम पहले से 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप गैस के टेम्परेचर को आप कितना इंक्रीज करोगे, केवल 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे, तो इसका वॉल्यूम पहले से कितना बढ़ जाएगा? मतलब पहले जो भी वॉल्यूम था उसका 2/273 भाग बढ़ जाता है। 1/273 कितना होता है? मतलब बहुत कम होता है ना, लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है। यही इसका कहना था। क्या बेटा? कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ किसी भी गैस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज करने पर गैस का वॉल्यूम 1/273 भाग बढ़ता है या फिर घटता है। मतलब अगर आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? इतना। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूँगा तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा? कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको? केवल 1 सेंटीग्रेड अगर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1/273 सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा। यही उसका कहना था। लेकिन अगर ये याद ना हो तो बाद में हम प्रूफ भी कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ किसी भी गैस का नहीं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। हम प्रूफ करेंगे अभी आगे। तो मैं लिखो जरा डेफिनेशन, लिखना इस नियम के अनुसार, लिखो इस नियम के अनुसार किसी नहीं कांस्टेंट प्रेशर पर, इस नियम के अनुसार कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के टेम्परेचर को, किसी गैस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज करने पर, हाँ 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज करने पर गैस का वॉल्यूम, गैस का आयतन, गैस का आयतन 1/273 टाइम्स या वा लिख सकते 173वां भाग बढ़ता या घटता है। हाँ वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लिख लिए ना? चलो इतना तो आप कर सकते हो, इसको मैं नीचे बना दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया? मैंने ये बोला बेटा
कि किसी भी, देख लो बहुत अच्छी बात है कि आपको क्या करना है, टेम्परेचर को आपको कितना बढ़ाना है, केवल 1 सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 1/273। लेकिन अगर आप इसकी टेम्परेचर को तो आप इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज, कितना, 1 सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1/273 डिक्रीज हो जाएगा। ये उसका कहना था। देखो अभी सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम पहले V0 था। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले कितना था उसका, V0। अब मैं उसके टेम्परेचर को मैंने कितना बढ़ाया है, T सेंटीग्रेड। मुझे पता नहीं है ये कितना सेंटीग्रेड है, 22 से 23, 23 से 24, कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कितना बढ़ा है, केवल T सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम का बता दो कि पहले V0 था, टी सेंटीग्रेड अगर मैं बढ़ा देता हूं तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, V0 का 273वां भाग बढ़ जाएगा क्या? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं का कि वॉल्यूम टी टेम्परेचर पर, पहले तो उसका वॉल्यूम कितना था, V0। अब मैंने क्या किया है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, कितना सेंटीग्रेड, T सेंटीग्रेड। टी सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दोगे तो मुझे बता दो, यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, उसका वॉल्यूम कितना था, V0, उसकी टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया है T सेंटीग्रेड, तो उसका वॉल्यूम V0 से कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 273वां भाग बढ़ जाएगा। बात को मानते हो? अच्छा बेटा, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से मैं V0 को कॉमन ले सकता हूँ क्या, आराम से ले सकता हूँ ना, तो VT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V0। क्या बचेगा यहाँ पास, 1 प्लस, यहाँ पास क्या हो जाएगा बेटा, T और मल्टीप्लाई बाय 1/273वां, हो सकता है ना। अच्छा, 273 को से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा, देखो जरा, तो ये बन जाएगा बेटा V टेम्परेचर T, यहाँ पास, हाँ साहिना आंसर, जाओ बेटा, कौन है, हो गया बेटा इतना दोस्त, इसे मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा, 273 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, टी डिवाइडेड बाय। अब मुझे बता दो एक चीजें, कि हमने ये बोल के रखा था कि कैपिटल टी, अगर आप ये कर देते हो कि किसी भी टेम्परेचर को 273 प्लस टी कर देते हो तो क्या बन जाता है, वो केल्विन। और केल्विन किसका यूनिट है, टेम्परेचर का। इसका मतलब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि किसका यूनिट है बेटा, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, इसलिए क्या लिख सकता हूँ मैं, टी। इसके जगह पे क्या लिखूँ, तो क्या बन जाएगा, VT इज इक्वल टू V0, यहाँ पर क्या, T/273। इसको मैं स्टाइल मारने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, V0/273 इंटू टी लिख सकता हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, V0 तो उसका जीरो वॉल्यूम मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ, और ये भी, ये तो कांस्टेंट बैलेंस है, नंबर तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को हटाओ और बराबर को भी हटा दूँ तो प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे क्या, पहले क्या करते थे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते थे तब आप इक्वल और कांस्टेंट लगाया करते, तो हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। मतलब क्या बेटा, कि ये कांस्टेंट और बराबर दोनों को मैं हटा दूंगा तो क्या लिख सकता हूं यहां पर, VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही चार्ल्स का नियम भी है। समझ में आ गया? Yes. कर लोगे आराम से? अगर ना समझ में आए तो हमें लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटाने से गैस का वॉल्यूम कम होगा। क्लियर? कॉपी करो, फिर लिखवाता हूँ उसका डेफिनेशन क्या करने वाले हैं। बताओ बेटा, यहाँ बस लिख लो VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब लिखो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखना, अर्थात किसी गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, That means
दैट मीन्स टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम करने पर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है लिख लिए, एवं टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गैस की वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये अपने को लिखना था। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है। ऐसे में मान के चल रहा हूँ कि यदि गैस का वॉल्यूम V एवं टेम्परेचर T हो तो क्या लिख सकते हैं बेटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकता हूँ, क्या बन जाएगा V इज इक्वल टू के टी बन जाएगा ना, T को इस साइड लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा V by T इज इक्वल टू K, कोई दिक्कत? आगे चलते, अगर आपको ना ये नहीं बन रहा है, बाई चांसेस नहीं बन रहा है, तो आप क्या करना, अभी जो डेफिनेशन लिखवाए वो लिखना, यहाँ तक सॉल्व करना, लेकिन और भी सॉल्व करना है क्या मैं बताता हूँ, रफ करके थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी मुझे इसलिए। बेटा पहले जैसे हम लोग माना करते थे कि माना गैस का प्रथम पहले वॉल्यूम टी वी वन था, टेम्परेचर टी वन था वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना है कि हमने कोई गैस रखा है, इस गैस का पहले टेम्परेचर टी वन था और इसी टी वन टेम्परेचर पर वॉल्यूम वी वन था, मैंने क्या किया इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, टी वन टी टू से कितना ले, टी वन से कितना ले गया टी टू, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा क्या? तो यदि मैं ऐसे बोल के चलता हूँ कि यदि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर पर V1 एवं V2 है, तो इस नियम के अनुसार क्या बना सकते हैं भाई, मेरे बच्चों? नहीं सही है, देखो बेटा T1 पर वॉल्यूम कितना था V1, T2 पर कितना है तो क्या लिख सकते हैं, नियम क्या बोलता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बताओ V1 पर टेम्परेचर कितना है या T1 पर वॉल्यूम कितना है, V1, यही है ना, तो क्या करूंगा बेटा V1 इज इक्वल टू क्या लगाओगे KT1, कोई प्रॉब्लम इस पार लेके आ जाऊं तो क्या बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इक्वेशन नंबर वन मान ले, सिमिलरली निकाल सकता हूं ऐसे क्या, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 क्या बन जाएगा बेटा, V2 इज इक्वल टू KT2, क्या मान लू यहाँ पर V2 बाई T2 इज इक्वल टू K, बताओ इक्वेशन नंबर टू मान ले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, समझ तो आ गया होगा पिछले बार ही पढ़ा चुका हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, क्या बन जाएगा V1 यहाँ पर V2 यहाँ पर क्या बन जाएगा T1 by T2, यही आपको सॉल्व करना है अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो, बन जाएगा ना, बहुत इजी से था, चलो कॉपी करो। किसको बोल रही, हाँ बेटा ये तो लिखना ही है ना, ये कर लियो क्या अभी, नहीं करे हो ना, हाँ डेफिनेशन के बाद ये करो, फिर आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आपको सॉल्व करने हैं, फिर यहाँ से ग्राफ प्लॉट करके लाना, मैं ग्राफ दे देता हूँ होमवर्क करके लाना, ठीक है, मैं कहाँ पर लिख दूँ होमवर्क, ऊपर में लिख दूँ, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर, भाई घंटी लग गई है इस वजह से, क्या करने वाला हूँ मैं, देखो ग्राफ किसी भी चीज़ के लाना है, इसी इक्वेशन में लिखा लेके आना बेटा, आपको वी वर्सेस टी के बीच ग्राफ प्लॉट करके लाना है भाई, T वर्सेस V के बीच, तो यहाँ पर क्या T वर्सेस V बनेगा, V वर्सेस T कर लेते हैं, बन जाएगा, पर थोड़ा सा टफ, उसको मैं करके दिखाऊंगा।